चैनल बढ़ाना है यार, चैनल के व्यूज बढ़ाने हैं, चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। और वॉच टाइम तो यार पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी, अगर एज हम यूट्यूबर हैं तो वॉच टाइम पहली प्रायोरिटी होगी, तभी व्यूज आएंगे, तभी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। रिटेन करना है हमें यूजर्स को, कैसे, क्यों, कहाँ से, कैसे करें, सब कुछ कर लिया यार, सब कुछ कर लिया। सो आई एम टॉकिंग अबाउट वन ओनली सिंगल टू इज द पावर ऑफ मास्टर, दैट्स अ vidIQ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में vidIQ के बारे में बताने वाला हूँ, vidIQ कैसे यूज होता है, कैसे हेल्पफुल है। और लिटरली यार सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने अमेजिंग रिजल्ट दिए हैं अपने क्लाइंट्स को भी, अपने लिए भी। तो आप भी यूज करो vidIQ को। और मैं कोई रिव्यू नहीं दे रहा हूँ vidIQ का, मतलब ऐसा कुछ बता नहीं रहा हूँ कि मुझे पेड रिव्यू पे मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि vidIQ के बारे में यूज कैसे करता है, कि आप भी हेल्पफुल हो, आपका भी चैनल ग्रो हो। अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज यार, और वीडियो को एंड तक देखना। vidIQ के सारे फीचर देखेंगे आज यार, मतलब तोड़ देंगे वीडियो। गाइज आ चुके हैं हम अपने vidIQ के डैशबोर्ड पे। आपको दिख रहा होगा ये जो vidIQ टूल है ये मेरे चैनल से ऑथराइज है, ऑथेंटिकेट है। यहाँ पे एक ही चैनल ऑथराइज हो सकता है। ये मेरा प्रो वर्जन है जो मैंने 1 मंथ के लिए बाय कर रखा है, ठीक है। इसमें मैंने एक चैनल ऐड कर रखा है जो मेरा खुद का है, और आप यहाँ पे थोड़ा सा डेटा देख सकते हो। ये मेरा इनिशियल चैनल है, तो आप मतलब ऐसा मत समझना कि कम ही डेटा आ रहा है या आपके कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मेरी आपको चैनल के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएगा जब हम यूट्यूब चैनल की एनालिटिक्स की बात करेंगे। तो एक कम वीडियोस में और एक इनिशियल चैनल की ग्रोथ आप देख के शॉक हो जाओगे, क्योंकि मेरा CTR और इंप्रेशन बहुत अच्छा है मेरे चैनल का। अगर हम बात करते हैं तो हम पहले हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे कुछ टैब्स हैं, ठीक है, मेन्यूज़ हैं जिन पर हम आज आपको बताने वाला हूँ, vidIQ को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले हम बात कर रहे हैं एनालिटिक्स की। तो यूट्यूब SEO यहाँ पे क्या, अगर आप रेंज सेलेक्ट करनी है रेंज सेलेक्ट कर लो, ऑल टाइम डेटा देखना है ऑल टाइम डेटा देख लो। अगर जैसे मैं बात करता हूँ, मेरे यूट्यूब व्यूज़ 818 है, सजेस्टेड व्यूज़ आए मेरे 17 और 309 व्यूज़ आए हैं यूट्यूब सर्च से, ठीक है। ये आप डैशबोर्ड देख रहे हो, पूरा ग्राफ देख रहे हो ना कैसे जा रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस ग्राफ को, मतलब आप कैसे बैंड कर रहे हो, कैसा उठा रहे हो। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपकी वीडियो कॉन्टेंट पे, वीडियो कंसिस्टेंसी पे, वीडियो अपलोडिंग पे, टाइमिंग पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अभी जैसे मेरा न्यू चैनल था तो मुझे ऑडियंस का पता करना था, तो ये मेरी सारी टेस्टिंग चल रही है। आपको मैं अगर बताऊँ तो कि मैं अभी अपने ऑडियंस का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जान रहा हूँ कि वो कब ऑनलाइन रहती है, क्या उन्हें कॉन्टेंट पसंद है। सो दैट्स वाई आप देख रहे हो मेरा ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि अभी मैं एक राइट ट्रैक पर नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं अभी AB टेस्टिंग कर रहा हूँ अपनी ऑडियंस को लेकर, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नीचे, आप देख रहे हो 224 व्यूज़ आए हैं मेरे यूट्यूब व्यूज़ से, और 300 मिनट वॉच टाइम हो चुका है मेरा, 8 यूट्यूब लाइक है, 8 सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं, ठीक है। ये रेंज का होगा जो लास्ट उसका होगा वीक का, और ये ऑल टाइम का डेटा लगे, और 5 सब्सक्राइबर्स लॉस्ट भी हुए हैं, यूट्यूब कमेंट्स आए हैं, ये देखो ये भी अप डाउन चल रहा है ना। सो ये सारी AB टेस्टिंग हो रही है मेरी। अब एक टॉप वीडियो व्यूज़ हैं, टॉप वीडियोज़ आ रही हैं मेरी जो चल रही हैं, जिनका वॉच टाइम जैसे इसका 115 है, व्यूज 47 है, 26 इसके हैं, 48 इसके हैं। यूट्यूब सर्च देखो कीवर्ड्स, मेरे क्रिलो से मेरा वीडियो रैंक कर रहा होगा, इंक्रीज सब्सक्राइबर्स इन यूट्यूब, क्रिलो रिव्यूज़, हाउ टू गेट सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब फास्ट, पर्सनल वर्सेस ब्रांड अकाउंट, यूट्यूब सब्सक्राइबर अकाउंट। तो ये मेरी दो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, इस पर देखो 575 व्यूज़ आ रहे हैं और इसमें 135 व्यूज़ हैं, इस पर 13% एंगेजमेंट है, इसे 8.15% एंगेजमेंट है। और हम बात करते हैं, ये मेरा कुछ डेटा एक शोकेस करता है टाइमिंग का, कि बेस्ट टाइम टू पोस्ट क्या है मेरा। अगर मैं अपने इंडिया के अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग आपको टाइम बताऊं तो ये 3 AM बता रहा है मुझे, ठीक है, बेस्ट टाइम टू पोस्ट करंट का, मतलब अभी ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से सारी टेस्टिंग ही चल रही है कि टाइमिंग क्या है। जैसे अभी मैं मिड ऑफ द डे पोस्ट करता हूँ, लाइक 12 से 2 के बीच में, तो ये मेरी प्लानिंग चलती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब व्यूज़, ये पूरा ओवरऑल व्यूज़ बता रहा है मेरा, व्यूज़ बता रहा है, वॉच टाइम बता रहा है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम एंड सर्च वॉल्यूम रिलेटेड वीडियोज़। तो हमारे vidIQ में क्या है, पहला जो मैंने आपको बताया एनालिटिक्स में, ये हमें सारी चीज़ें एनालिटिक्स दिखाता है जो 12 जून से 11 जुलाई तक, 1 मंथ का ये लास्ट 30 डेज़ का, ठीक है, लास्ट 7 डेज़ का भी देख लो, ठीक है। ये देखो 72 व्यूज़ आए मेरे, 260 व्यूज़, 30 यूट्यूब सर्च से भी आया, देखो ग्राफ ऊपर उठ रहा है, ठीक है, ये भी ग्राफ ऊपर उठ रहा है। तो हमें मतलब वीकली एनालिसिस करो, मंथली देखो अपने, जैसे मेरा लास्ट मंथ कैसा गया, तो मेरा नेक्स्ट मंथ की अपनी पूरी तुम्हारे पास रिपोर्ट होनी चाहिए कि मेरा नेक्स्ट मंथ कैसा जाएगा। अब नेक्स्ट हम टैग पे आ जाते हैं वीडियोस पे, तो यहाँ पे मेरी सारी वीडियोस दिखाता है, यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, कब अपलोड हुई, क्या टैग्स हैं, ठीक है, और कितने व्यूज़ आए हैं अभी,
ठीक है, लाइक्स कितने हैं और कमेंट्स कितने हैं। अगर मैं जैसे कोई भी पीछे वाली वीडियो पर चले आता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरा ये रेशो दिखा देता है कि ठीक है, यहाँ पर इतना कुछ डिटेल नहीं देता, बस यही रेशो दिखाता है कि आपका ये विडाई की स्कोर इतना है, व्यूज़ इतने हैं और यूट्यूब लाइक्स इतने हैं, कमेंट्स इतने हैं। तो ये ठीक है, ओके है, इससे बेटर आप एनालिटिक्स में भी देख सकते हो अपने चैनल के। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये आप अपना चैनल जब, अभी मैं आपको एक्सटेंशन का ही बताऊँगा इसका, अभी हम वेबसाइट पर देख रहे हैं डैशबोर्ड का। अब ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सब्सक्राइबर्स को एनालिसिस करना, मतलब आपका ऑडियंस का बिहेवियर एनालिसिस करना कि आपके ऑडियंस क्या पसंद करती है ज़्यादा देखना, तो वही आप कॉन्टेंट बनाओ। अब जैसे टॉप वो वीडियो वॉच्ड, अब देखो मैं आप बताऊंगा, तो ये मेरे वो सब्सक्राइबर्स हैं जो ये अदर वीडियोस देखते हैं मेरी तरह। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे ये वीडियोस देख रहे हैं, इस तरह की वीडियोस वो देखना पसंद करते हैं। देखो तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे मार्केटिंग करनी है तो मुझे ऐसी वीडियोस को टारगेट करना है, ठीक है, या मुझे ऐसा कुछ कॉन्टेंट एड आउट करना है। और कौन कौन से चैनल वॉच्ड करते हैं वो देखो, ये सारे चैनल वॉच करते हैं मेरी ऑडियंस। ठीक है, कब वो ऑनलाइन रहती है, उनका क्या बेस्ट टाइम है, ये सारा ऑनलाइन टाइम आ जाता है उनका। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमारी ऑडियंस का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है। अब आ जाते हैं हम SEO के पार्ट पे। इसे बेसिकली कुछ नहीं होता, यहाँ पे बल्क SEO कीवर्ड्स दिखाया था आपको, अगर कुछ कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है जो मेरी वीडियो में नहीं है, यहाँ पे वो दिखा देगा, आप वो सीधा ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपके चैनल के टैग्स दिखाएगा, मतलब एक पूरे वाइट टैग्स, मतलब वाइट टैग्स इन द सेंस रिलेटेड टैग्स दिखाएगा आपके चैनल से कि आप क्या क्या ऐड कर सकते हो अपने चैनल में। तो ये सारे टैग्स हैं, और मतलब आप पहले तो खुद भी इन टैग्स को देख के रिसर्च इनका देख सकते हो कि सर्च स्कोर कितना है, कॉम्पिटिशन स्कोर कितना है, और फिर इन्हें यूज़ कर सकते हो अपने चैनल के अंदर। अब हम बात करते हैं इस कीवर्ड रिसर्च की। हाँ, ये बहुत बेस्ट है, अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं लेट्स सपोज यहाँ लिखता हूँ एड मैनेजर सपोर्ट, और मैं सर्च करता हूँ इसे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए, रिलेटेड स्कोर आ गया, सर्च वॉल्यूम आ गया, सर्च स्कोर आ गया, कंपटीशन स्कोर आ गया। अब मैं इस पर मुझे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे मुझे जीरो से स्टार्ट करना है कि मेरा कंपटीशन स्कोर सबसे कम किस पे है। यहाँ पे सर्च स्कोर तो है ही नहीं भाई बिल्कुल भी, और कंपटीशन स्कोर भी नहीं है। यहाँ पे सर्च स्कोर नहीं है, कंपटीशन स्कोर नहीं है, तो वो कीवर्ड्स हमें यूज़ करना बेकार है। हमें क्या करना है, 30 से नीचे कंपटीशन स्कोर करना है, और हमारा सर्चेस ज़्यादा होने चाहिए। जैसे आप देखो सर्च वॉल्यूम सोशल मीडिया मार्केटिंग यार 398,960 सर्च वॉल्यूम है, बट कॉम्पिटिशन स्कोर 28 है, कुछ भी नहीं है भाई। इस पर 96,033 सर्च स्कोर है, वो कॉम्पिटिशन स्कोर है। सो हमें ऐसे ही कुछ कीवर्ड उठाने हैं, मतलब टैग्स उठाने हैं जो हमारे मार्केटिंग के टैक्टिक्स में यूज़ होंगे, जिसका सर्च वॉल्यूम स्कोर कम होना चाहिए, मतलब सर्च वॉल्यूम स्कोर ज़्यादा होना चाहिए सॉरी, और कॉम्पिटिशन स्कोर कम होना चाहिए। कॉम्पिटिशन कम होगा और सर्चेज ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर कॉन्टेंट नहीं है, तो हमें उन पर कॉन्टेंट बनाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ टैग्स दिखाता है जो मुझे टैग्स भी रिकमेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी वीडियोस में टैग्स लगे हुए हैं और सारे मैं vidIQ का यूज़ करके ही लगाता हूँ, तो यहाँ पे रिकमेंड नहीं आते मेरे लिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटर की। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपको अपने एक किसी भी चैनल का, मतलब आपने कोई लिंक डाल दिया, उससे आप एनालिसिस कर सकते हो अपने आप को। लेट्स सपोज अगर मैं किसी का भी चैनल का मार्केट फंडास का उठा लेता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चैनल की आईडी चाहिए बस, तो हाँ चैनल ऐड कर लूँगा, और उसके बाद देखो ये आ गया। अब यहाँ पे यार टोटल व्यूज, सब्सक्राइबर्स, वीक की ग्रोथ आ जाएगी, तो 2 वीक्स की ग्रोथ आएगी, मंथली ग्रोथ आ जाएगी। आप देखो अगर ग्रोथ देख रहे हो उसकी मंथली 14% से मेरी 79% से, वीक ग्रोथ 28% से, तो मैं यही चीज़ दिखाना चाह रहा था आपको। ऐसा नहीं है मेरा चैनल छोटा है, मेरे पास अभी कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, बट मेरा मतलब अगर जो रेशो देखा जाए वो ज़्यादा अच्छा बढ़ रहा है। क्यों, मैं vidIQ टूल का यूज़ करता हूँ, मैं अच्छे स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, प्लान्स करता हूँ अपनी वीडियोज़ के लिए, दैट्स वाई मेरा ग्राफ अभी बढ़ेगा और आगे टाइम भी बढ़ेगा, और प्लस मैं अभी AB टेस्टिंग में हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है थोड़ा सा। तो यही एक मोटो है, और ये आप देख रहे होंगे मतलब वीकली एनालिसिस भी करोगे तो ये मेरा ज़्यादा जा रहा है, आई मीन लास्ट 2 वीक का माइनस में है वो मेरा, वो जो मैंने बताया टेस्टिंग चल रही है अभी, धीरे धीरे जब मैं ट्रैक पे आ जाऊँगा वो भी बढ़ जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं अपना क्या कहते हैं यूट्यूब टूल की, vidIQ की, जो बता रहा था ये vidIQ टूल है हमारा। ठीक है,
अबे किस तरह काम आता है यहाँ पे YouTube प्लेटफॉर्म पे। हमने वेबसाइट की तो बात कर ली VidIQ की, अब एक्सटेंशन की बात करते हैं। VidIQ एक्सटेंशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अब जैसे मैंने लिखा व्हाट इज़ ओपन ग्राफ हाउ टू यूज़। अब देखो मेरे पास यहाँ सारी वीडियोस आ गई जो सब लोगों को दिखती हैं, बट ये चीज़ जो है वो उन्हें देखेगा जिनके पास VidIQ है और जो यूज़ करना जानते हैं। अब देखो यहाँ पे टॉप रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मतलब एक तरह से कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। ये ट्रेंडिंग वीडियोस भाई वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ द VidIQ। आपको क्या पता चलता है, हम कुछ भी ट्रेंडिंग वीडियोस देख लेते हैं ट्रेंड टैब में जाके अपने यूट्यूब के, बट हमें एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे जो ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है वो देखनी है तो क्या करना पड़ेगा, ओनली VidIQ। VidIQ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, टूल है जो हमें ट्रेंडिंग वीडियोज़ दिखाता है। तो हमारे व्हाट इज़ ओपन ग्राफ हाउ टू यूज़ पे ये वीडियोज़ ट्रेंड कर रही हैं। इन पे ये देखो व्यू पर आवर मतलब VPH मतलब इतने घंटे में इतने व्यूज़ आ रहे हैं इस वीडियो इस उस पे कीवर्ड्स पे और इस वीडियो पे। यहाँ देखोगे ठीक है ये सारी चीज़ पता चलती है हमें, और प्लस हमें पता चलता है इसका वॉल्यूम और कंपटीशन। जैसे मैंने बताया था कि सर्च वॉल्यूम कितना है और कॉम्पिटिशन स्कोर कितना है, और यहाँ पर देखो वॉल्यूम भी नहीं है और कॉम्पिटिशन स्कोर भी नहीं है यार, तो मतलब वीडियोज़ बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो वहाँ बना के रख सकते हो, फ़ायदा नहीं कहूँगा मैं, बट इन फ्यूचर कभी काम आ सकती हैं चीज़ें। जहाँ कंपटीशन लो है वहाँ तो जाओ, क्योंकि वॉल्यूम्स बढ़ सकती हैं, ये ध्यान रखना। अगर वॉल्यूम नहीं है तो सर्चेस बढ़ेंगे डेफिनेटली, तो आप ये कर सकते हो ठीक है। और उसके बाद मैं अगर बताता हूँ तो हम जैसे किसी भी एक वीडियो को क्लिक करते हैं, मार्केट फंडा ही देख लेते हैं, हमें बताता है ये VidIQ ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट दे रखी है इनने एक अपनी VidIQ की कि इसका स्कोर कितना है। अब जैसे इसका टाइटल टू लॉन्ग है, शेयर्ड नहीं है फेसबुक पे, ट्विटर पे नहीं है, ये पूरा VidIQ का वो है एक डैशबोर्ड। स्कोर इसका 28.9 है ठीक है, और क्या कहते हैं हमारा इसका SEO स्कोर इतना है, और उसके डिस्क्रिप्शन लिंक काउंट्स का रखे हैं इनने, तो मेटी जट बताता है ये सारे कीवर्ड्स बता रखे हैं इन इन कीवर्ड्स पे इसकी वीडियो कहाँ कहाँ आ रही है, कितने नंबर पर आ रही है, तो ये सारे टैग्स हैं और ये इसके चैनल टैग्स हैं, ये इसके टॉपिक्स हैं। तो हमें इस टूल से भी पता चल जाता है कि ये ऐसे इनकी स्ट्रैटेजी है, ये टैग्स इन्होंने यूज़ कर रखे हैं, क्या इनका SEO स्कोर है, तो ये सारा हमें VidIQ से पता चल जाता है। और अगर हम आगे की बात करें तो वीडियोस में मतलब चैनल ऑडिट मैंने बता दिया था, चैनल कॉम्पिटेटर एनालिसिस जो होता है सीधा बेसिकली वही होता है। एक मैंने आपको चैनल का मतलब VidIQ का एक्सटेंशन बताया और VidIQ टूल बताया पूरा एक्सप्लेन करके। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज प्लीज़। और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।